प्रहारचे उमेदवार दिनेश भूप यांच्या प्रचारार्थ धारणी शहरामध्ये सभा घेण्यात आली. दाना मार्केट एपीएमसी मार्केटमध्ये उमेदवार दिनेश भूप, आमदार राजकुमार पटेल व आमदार बच्चू कडू यांनी सभा घेतली. दिनेश भूप यांना निवडून देण्याचं आवाहन यावेळी करण्यात आलं. मोठ्या संख्येनं धारणीवासी यावेळी उपस्थित होते. होली का त्योहार करने आती है उनको ये थोड़ा पूछ लेना, एखांदे होली में नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन फॉरेस्ट की जो तकलीफ हुई है इसके लिए आपने क्या किया? हम जो रुखावट आई है केंद्र सरकार से, फॉरेस्ट वाला जो कार्यालय विभाग है उस पर सब निर्भर, सब नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार का है. अब इस बात को थोड़ा सुन लो, छह रस्ते का नीति आकर पड़ा है, लेकिन केंद्र जो दिल्ली से परवानगी मिलती वो खासदार का काम है, वो सांसद का काम है. और हमारे नवनीत राणा जी ने एक बार भी मेलघाट की बात संसद में नहीं उठाई, ये बड़ी शर्म की बात है. ये हमारे लिए सब हमारे लिए बहुत दुर्दम्य की बात है. जब रास्ते के लिए निधि आने के बावजूद भी हमारे लाइन का वो खाली केंद्र का परवानगी नहीं मिला, इसीलिए रुका हुआ. हमने हर गांव से आवाज उठाना चाहिए कि आदिवासी इतना भी लाचार नहीं है जो तुम्हारे साड़ी का भूखे भूखा हो. हम हाल के अंदर जमीन के अंदर जमीन चिरने वाला हमारा आदिवासी है, शेर भी आया तो उसको भी भगाने वाला हमारा आदिवासी है. अगर तुमने थोड़ी भी अगर ताकत लगा देती थी तो आज लाइन बिजली हमको ज्यादा मिलती थी, तो हम क्या भूमिंग के फसल हमको और ज्यादा हो रही है. और जिन्होंने ये उम्मीदवार जाहिर किया है वो हमारे राजकुमार जी पटेल और सभी हमारे कार्यकर्ता आदिवासी बांधव. पहली बात तो मैं आपको, ये तुम्हारा सम्मान बढ़ाता है, तुम्हारा गर्व बढ़ाता है, अभिमान बढ़ाता है. आप इस पर थोड़ा गौर करो. कोई बड़ा नेताओं ने जाहिर नहीं की, ये आपके लिए आने वाला कल के लिए या आदिवासी के लिए बड़ी अभिमान की बात रहेंगी कि एक उम्मीदवार जो खासदार का है, सभी उम्मीदवार दिल्ली से जाहिर हुआ लेकिन दिनेश भूप मेड़घाट में धारणी से जाहिर किया इस उम्मीदवार को. अब इसकी शान आन बान आपको रखना पड़ेगा.